दोस्तों, आप सभी के मन में यह सवाल कभी ना कभी तो आया होगा और आप यह जानना तो चाहेंगे कि क्या होगा अगर $1, जो कि आज की डेट में 68.84 रुपए के बराबर है, वह 1 रुपए के बराबर हो जाए तो क्या होगा। और हर भारतवासी यह चाहता भी है कि रुपया डॉलर से अधिक मजबूत हो, और कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश की करेंसी सभी देशों से मजबूत हो। और कई सवाल भी होंगे आपके मन में कि इससे हमें फायदा होगा या नुकसान, अगर हमें फायदा होगा तो कैसे और नुकसान होगा तो कैसे। चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको रुपए के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। सन 1913 में 1 रुपए $13 के बराबर हुआ करता था, जो सन 1947 में जाकर 1 रुपए $1 के बराबर हो गया, और 1967 के आते आते 7 रुपए $1 के बराबर हो गए, जिसके बाद से रुपया ऐसे ही लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता चला गया। अब अगर देखा जाए तो रुपए के जो कमजोर होने का समय है वो बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, इतनी जल्दी ये मजबूत भी नहीं हो सकता, अगर हो भी गया तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अब यहाँ पर दो कंडीशन जो हर चीज पर लागू होती है, अगर $1 $1 के बराबर अचानक से हो जाए तो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हम इस चीज को इतनी जल्दी मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले भी कुछ देशों के साथ हो चुका है जिसका नुकसान उन्हें आज तक उठाना पड़ रहा है। हमें फायदा है लेकिन तब जब रुपए डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे मजबूत हो। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी करेंसी के मजबूत होने से मजबूत नहीं होती है। अगर करेंसी के मजबूत होने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो इसका मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 68 गुना मजबूत होती। लेकिन भारत की GDP 2018 में 2.45 लाख करोड़ डॉलर की है और अमेरिका की GDP 18.57 लाख करोड़ डॉलर की है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का केवल 7 गुना है। हम खुद अपने देश की करेंसी की वैल्यू तय नहीं कर सकते, हमारे देश की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। चाइना अपने मुद्रा की कीमत खुद तय करता है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वह चाहे जब अपने करेंसी की वैल्यू को ज़्यादा या कम कर सके, इसकी एक लिमिट निर्धारित की गई है। सन 1944 में USA में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में डॉलर को वर्ल्ड करेंसी के तौर पर चुना गया। इस वजह से अधिकतर देशों के बीच में होने वाला व्यापार डॉलर में ही होता है, जिस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत अपना 80% आयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसके लिए उसे लगभग $1.5 बिलियन के रूप में देने पड़ते हैं। अब मान लीजिए भारत किसी तरीके से अपना 100% ऑयल देश में ही प्रोड्यूस करने लगे, तो ऐसी स्थिति में हमें $1.5 बिलियन ऑयल के लिए देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ऐसे में होगा क्या कि डॉलर की मांग भी घट जाएगी, क्योंकि अब हमें ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए ही नहीं, जिस वजह से डॉलर की डिमांड कम होने से डॉलर काफी कमजोर हो जाएगा। अब हम इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 फुटबॉल है जिसमें से प्रत्येक की कीमत 40 रुपए है। अब इसमें से गप्पू 1 फुटबॉल खरीद लेता है, जिसके बाद मेरे पास 3 फुटबॉल बचती हैं। अब इन 3 फुटबॉल में से पप्पू और गप्पू 1-1 फुटबॉल और खरीद लेते हैं। अब मेरे पास केवल 1 फुटबॉल रह जाती है। अब बची हुई फुटबॉल को गज्जू और टप्पू दोनों खरीदना चाहते हैं, जिनकी कीमत अभी 40 ही है, लेकिन एक ही फुटबॉल की डिमांड 2 लोग कर रहे हैं और सप्लाई कम है। अब टप्पू फुटबॉल के 40 रुपए तो दे सकता है, लेकिन गज्जू इस फुटबॉल को खरीदने के लिए मुझे 41 रुपए देने के लिए तैयार है। अब ऐसे में होगा क्या, इस फुटबॉल की सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, तो यह फुटबॉल 40 रुपए की जगह 41 रुपए में बिक गई। यानी सिंपल सा फंडा है, डिमांड बढ़ी या सप्लाई घटी तो वैल्यू अपने आप बढ़ गई। दोस्तों, डिमांड और सप्लाई को समझने के बाद अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, कि आखिर इससे हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है और क्या लॉस होने वाला है। रुपए के मजबूत होने से इंपोर्ट करने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रुपए की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों, आगे समझते हैं।
$1.68 के बराबर होने से आज हमको एप्पल का जो फोन $1,000 या $68,000 में मिलता है, वही फोन $1 के बराबर होने से अब हमको 68 गुना कम रुपए देने होंगे और वह हमको $1,000 में मिलने लगेगा, क्योंकि अब हमको 68 गुना रुपए नहीं देने पड़ेंगे। मतलब जहां आप 68,000 में एक एप्पल का फोन खरीद सकते हैं, वहां रुपए और डॉलर के बराबर होने के बाद उन्हीं रुपयों से अब आप 68 एप्पल के फोन खरीद सकते हैं, और जो लैपटॉप हमको $40,000 में मिलते हैं वह हमको $600 में मिलने लगेगा। सभी ब्रांडेड चीजें सस्ती हो जाएंगी। जो शूज आपको 10,000 में मिलते हैं वो आपको 100 से 125 रुपए में मिलने लगेंगे। अब आप सोच तो रहे होंगे कि तब तो हर कोई एप्पल का ही फोन खरीदेगा और हर किसी के पास लैपटॉप होगा, महंगी महंगी कारें होंगी, तो आप ऐसा सोचते रहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको जैसी फीलिंग आज एप्पल के फोन को 68,000 रुपए में खरीदने में होती है, वैसी ही फीलिंग आपको रुपया और डॉलर के बराबर होने के बाद $1,000 में खरीदने पर होगी। ऐसा क्यों? चलिए आगे देखते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब जब रुपया और डॉलर बराबर होंगे तब बाहर से इंपोर्ट किया गया हर सामान सस्ता होगा, तो फिर जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल भी सस्ता मिलेगा। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल के सस्ते होने से हमारा ट्रांसपोर्टेशन काफी सस्ता हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने से हमारे देश में होने वाले उत्पादन और सभी सामान भी सस्ते हो जाएंगे। जिस तरह से बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो जाएगा, उसी तरह इंडिया में मिलने वाला सामान भी सस्ता हो जाएगा। रुपए के मजबूत होने की वजह से हमारे बड़े नोट जैसे 2000, 1000, 500 के नोट बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और रुपए के मजबूत होने से सामान और सर्विस इतनी अधिक सस्ती हो जाएंगी कि आपको 2000, 1000 या 500 के नोट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी वैल्यू इतनी अधिक होगी कि अपने पास 2000 का नोट रखने का मतलब आज के 1,32,000 रुपए अपने पॉकेट में रखने के बराबर होगा। इसलिए पैसों का उपयोग जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10, 25 और 50 पैसों का उपयोग होना चालू हो जाएगा, क्योंकि तब भारत में मिलने वाला सामान इतना सस्ता हो जाएगा कि रोज के सामान के लिए 1 रुपए भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें पैसे का उपयोग करना पड़ेगा। या यूं कहिए, हमारे वही दिन आ जाएंगे जो 1970 और 80 में हुआ करते थे, जब हम 100 रुपए में पूरा महीने भर का राशन खरीद लिया करते थे। अब आपको जब यह मालूम है कि पहले हम 100 रुपए में पूरे महीने भर का राशन खरीद लिया करते थे, तो आपको यह भी पता होगा कि उस समय मिलने वाली सैलरी 100, 200, 500 या ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए हुआ करती थी। तब आप बताइए, क्या जब आपकी सैलरी 500 रुपए होगी तो क्या आप एप्पल का फोन पूरी सैलरी देकर खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको तब भी उतना ही सोचना पड़ेगा जितना आप अभी सोचते हैं। हमारे देश में बहुत से इन्वेस्टमेंट केवल इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट काफी कम है, और रुपए के मजबूत होने से हम दूसरे देशों में जहाँ लेबर कॉस्ट काफी कम है आसानी से इन्वेस्ट कर सकेंगे और वहाँ की लो लेबर कॉस्ट का फायदा उठाकर काफी अच्छे पैसे कमा सकेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, यह बात तो आप समझ ही गए होंगे कि रुपए की डॉलर के मुकाबले मजबूत होने से नुकसान हमें केवल तभी है जब रुपए डॉलर के मुकाबले अचानक से बराबर हो जाए या रातों रात बराबर हो जाए। क्योंकि अगर रुपए डॉलर के मुकाबले अचानक से बराबर हो जाए तो अधिकांश लोग या तो बेरोजगार हो जाएंगे या उन्हें कम सैलरी में काम करना पड़ेगा। वह सभी NRI जो अलग अलग देशों में भारत से बाहर जाकर काम करते हैं, वह सभी मिलाकर भारत में लगभग $70 बिलियन हर साल भारत में वापस भेजते हैं, जो कि पूरी तरह से रुक जाएगा। अब यदि रुपया डॉलर अचानक से बराबर होते हैं तो अधिकतर बाहर काम करने वाले व्यक्तियों को अपने देश में वापस आना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मान लीजिए गज्जू को USA में $3,000 मिलते हैं, जो कि इंडिया में आकर लगभग 2,04,000 रुपए के बराबर हैं। लेकिन डॉलर और रुपया अचानक से बराबर होने पर गज्जू की सैलरी $3,000 ही रहेगी, लेकिन अब उसको इंडिया में $3,000 के बदले
2,04,000 की जगह केवल 3,000 रुपए मिलेंगे और 3,000 रुपए में इस टाइम इंडिया में कुछ खरीद पाना बहुत मुश्किल है। तो आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा लॉस होगा और उनको बाहर काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। जबकि इसके विपरीत अगर यह मजबूती धीरे धीरे आती है तो किसी को भी अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। भारत को पहले की ही तरह सभी NRI के द्वारा $70 बिलियन हर साल उसी तरह मिलते रहेंगे। डॉलर और रुपए धीरे धीरे मजबूत होने की स्थिति में अब उन 3,000 रुपयों की वैल्यू उन 2,04,000 रुपयों के बराबर होगी जब $1.68 के बराबर हुआ करता था, क्योंकि भारत में महंगाई बहुत ही कम हो चुकी होगी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले अचानक से बराबर हो जाए तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा सामान बहुत महंगा होगा जिसको कोई भी हमसे खरीदेगा ही नहीं। अब जब खरीदेगा नहीं तो एक्सपोर्ट को अपने सामान का पैसा ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जिसमें हम स्टील बनाते हैं और उसे हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमको एक ऑर्डर मिलता है $10,000 का कि हमें इतनी स्टील चाहिए और मैं अपने 4,00,000 रुपये इन्वेस्ट करके ऑर्डर को शिप करने के लिए तैयार कर देता हूँ। अब 5 दिन बाद जब ऑर्डर शिप करने के लिए तैयार हो जाता है तब अचानक से रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक्सपोर्ट रुक जाएगा। क्यों? देखिए, जब $1.68 के बराबर था तब मैंने उस ऑर्डर को तैयार करने के लिए अपने 4,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन डॉलर और रुपए के बराबर होने के बाद मुझे उस ऑर्डर के $10,000 ही मिलेंगे। लेकिन अब इंडिया में $10,000 के बदले मुझे 6,80,000 की जगह केवल $10,000 मिलेंगे और मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 4,00,000 रुपये। तो ऐसी स्थिति में मेरा नुकसान कितना हुआ? 3,90,000 का। और अब यह 3,90,000 रुपये $3,90,000 के बराबर है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? डील हो जाएगी कैंसिल। इस तरह रुपए का डॉलर के मुकाबले अचानक से मजबूत होना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, जो एक तरीके से देखा जाए तो केवल हमारे लिए ही नहीं, किसी भी देश के लिए उसकी करेंसी का अचानक मजबूत होना उस देश के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, जाते जाते अब बात करते हैं बैंकों की, जिन्हें सबसे बड़ा नुकसान होगा, वह भी उनके बकाया लोन अमाउंट के कारण। बैंकों का लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपए का लोन अमाउंट अभी वापस ना होने की स्थिति में है और डॉलर और रुपए अचानक से बराबर होने से अधिकांश लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ेगी या कम सैलरी में काम करना पड़ेगा और वह लोन कोई व्यक्ति दे ही नहीं पाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब मैंने वह लोन बैंक से लिया था तब मेरी सैलरी 35,000 थी और अब जब डॉलर और रुपया बराबर हो गए तो मेरी सैलरी 600 रुपये हो गई। अब मैं उसकी EMI तक नहीं दे सकता तो लोन कहाँ से दूंगा? तो कोई भी बैंक को उसका लोन वापस नहीं कर पाएगा, जिससे बैंकों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन यह बात ध्यान रखिए, यह नुकसान केवल तभी होगा जब रुपया और डॉलर अचानक से मजबूत हो। दोस्तों, आज भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह दिन दूर नहीं जब $1 1 रुपए के बराबर हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि वह दिन ज़रूर आए। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। और दोस्तों, यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखी है। जय हिंद, वंदे मातरम।